हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आगे वाले पल्ले में गले की डिजाइन बनाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा गला बोट नेक में रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच और लंबाई भी हमें यहाँ पर 4 इंच रखनी है, ठीक है। और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। फिर देखिए इस तरह से हमें गोलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें 5 शेप में निशान लगाना है, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी है वो हम रखेंगे 1 इंच चौड़ी, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और दोस्तों आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजाइन बनाई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कपड़े पर सिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को देखिए इस तरह से रखेंगे। तो रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने तरह से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर देना है, ठीक है। और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरह से कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें निशान भी लगा देना है बिल्कुल बी सेंटर पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको हमें देखिए इस तरह से सीधी तरफ से रख लेना है और यहाँ पर भी बी सेंटर पर निशान लगा देंगे। तो इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें गले की पट्टी लेनी है, तो इसको भी इस तरह से रखेंगे। दोनों जो हमारे कट है इनको मिलाकर रखेंगे, ठीक है। कट और जो हमारा निशान है इनको मिलाकर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरह से कट लगा देंगे और कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमें नुक निकाल के अच्छे से ही सीधा कर देना है दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है और इतनी डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने धागा लिया है, इसमें हमें नॉट लगा देनी है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी ली है। तो इसको तरह से रखेंगे, धागे को हमें अंदर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर पट्टी को घुमाकर 2 पॉइंट पर हमें सिलाई लगानी है, 1 या 2 पॉइंट पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे हमारी पतली डोरी बन जाएगी। और अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि किस तरह से डोरी बनाते हैं, तो आप चाहे उन वीडियो को भी देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सफाई से कटिंग कर लेंगे और इसको हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस धागे को ऊपर की साइड बांध देंगे और यहाँ से हमें नीचे से बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इस तरह से खींचेंगे, इसको संवारते जाएंगे और यहाँ पर इसको सीधा करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से जो हमारी पट्टी है वो सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डोरी को बना लिया है, इसको बराबर करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, लटकन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने चौकोर पट्टी ली है, इसको तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हमें डोरी को रख लेना है और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो हमारा एक लटकन बन गया है, सेम इसी तरीके से दूसरा लटकन भी बना लेते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको भी सीधा कर देंगे। तो हमने एक डोरी में लटकन तैयार कर लिए हैं और सेम इसी तरीके से दूसरी डोरी पर भी हमें लटकन सिल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी डोरी पर भी लटकन सिल लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और जहाँ पर हमारी नीचे की साइड गुलाई है 5 सिम में जो हमने गले का डिजाइन बनाया था, तो वहाँ पर हम इस तरह से डोरी को रखेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई यहाँ पर हमें मजबूती से ही लगा लेनी है और इसमें हम क्या करेंगे, पूरे में दाब सिलाई को भी लगा लेते हैं। तो हमने एक साइड में तरह से डोरी को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी डोरी को सिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सिलाई मजबूती से ही लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों साइड से डोरी को सिल लिया है और डोरी को देखिए कुछ इस तरह से हम इसमें बांधेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी बांध लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सूट का गले का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए सिंपल बना है फिर भी कितना सुंदर सा बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर देखिए जो हमने डिजाइन वाली बाजू बनाई है तो इसकी भी हमने अलग सी वीडियो बनाई है। तो बाजू किस तरह से बनाते हैं तो इसकी हमने दूसरी वीडियो बनाई है, तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकती हैं, ठीक है।